हरे कृष्णा। आज मैं मराठी में बोलूँगा क्योंकि अभी आषाढ़ मास चालू हो रहा है। यह चतुर्मास बहुत ही सुंदर भगवान विट्ठल का गुणगान करते हुए है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में विट्ठल जो स्वयं कृष्ण हैं, जो अपने भक्त के लिए वहाँ पे पधारे हैं, भक्ति की सेवा करने के लिए। भक्त ने बोला, मैं माता पिता की सेवा में बिज़ी हूँ, आप इस पत्थर पे खड़े हो जाइए। पत्थर को मराठी में वीट बोलते हैं, तो वीट पे जो स्थित हैं ऐसे हमारे कृष्ण विट्ठल कहलाए, उनका गुणगान करते हुए त्यांचे गुणगान साठी हे मराठी मजे एक गीत प्रस्तुत आहे। हे गीत तुकाराम महाराज खूप वेडा म्हणत असतो आणि ज्ञानेश्वर महाराज पण हे गीताचे गुणगान करतो। यामध्ये विठ्ठलचे खूप गुणगान केलेलं आहे, विठ्ठलचे सुंदर रूपचे, विठ्ठलचे आकारचे गुणगान, विठ्ठलचे माळाचे गुणगान, विठ्ठलचे भक्तांचे गुणगान, ते सगळे यामध्ये केलेलं आहे। तुम्ही या गीताला ऐका, याला हरिपाठ म्हणतात, तुम्ही पण करू शकता। महाराष्ट्रमध्ये सगळे गावमध्ये हे हरिपाठ करतात, सभी गाँव में महाराष्ट्र में यह हरिपाठ किया जाता है। हरिपाठ मतलब भगवान के रूप का, भगवान के ऐश्वर्य का गुणगान है। शुरू करते हैं। सुंदर ते ध्यानम उभे विटेवरी करकटावरी ठेऊया, सुंदर ते ध्यानम उभे विठेवरी करकटावरी ठेऊया, तुळशी हार गळा कासे पितांबर, तुळशी हार गळा कासे पितांबर, आवड निरंतर हेची ध्यानम, आवडे निरंतर हेची ध्यानम, मकर कुंडल तडपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभ मणी विराजित, कंठी कौस्तुभ मणी विराजित, तुका मने माझे हेची सर्व सुख, तुका मने माझे हेची सर्व सुख, पाही श्रीमुख आवडीने, पाही श्रीमुख आवडीने, हरिमुखे म्हणा हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी। इसमें भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से भगवान खड़े हैं, किस प्रकार से भगवान तुलसी का हार पहने हैं, किस प्रकार से भगवान मकर कुंडल कान में धारण किए हैं, पीताम्बर वस्त्र पहने हैं, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान का नाम मैं क्यों न हजार बार लूँ, लाखों बार लूँ, लाखों बार लूँ। हरि मुखे मना, हरि को मुख से लो, पुण्य की गणना कौन करेगा, अनंत पुण्य पाएंगे। हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, पुण्याची गणना कौन करी। देवाची ये द्वारी उभाषण भरी, तेने मुक्तिचारी साधी येलिया, हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी। आसुनी संसारी जीवे वेगु करी, आसुनी संसारी जीवे वेगु करी, वेदशास्त्र उभारी ब्रह्मा सदा, वेदशास्त्र उभारी ब्रह्मा सदा, ज्ञानदेव मणे व्यासीचे खुणे, द्वारकेचे राणा पांडवा घरी, द्वारकेचे राणा पांडवा घरी,
हरिमुखे मणा हरिमुखे मणा, पुण्याची गणना कोण करी, तुका मने माझे हेची सर्व सुख, तुका मने माझे हेची सर्व सुख, पाहिशी मुख आवडीने, पाहिशी मुख आवडीने। तुकाराम महाराज कह रहे हैं, तुकाराम महाराज म्हणतात इकडे दुनिया में देखने लायक वस्तु बहुत है, दुनिया में देखने लायक वस्तु बहुत है, पर भगवान के श्रीमुख से ज़्यादा पसंदीदा कोई चीज़ नहीं, भगवान के श्रीमुख से ज़्यादा पसंदीदा कोई चीज़ नहीं, उनके भक्ति से ज़्यादा बड़ा और कोई काम नहीं। तो यहाँ पे बोल रहे थे कि द्वारका चे राणा, द्वारका के जो राजा हैं वो पांडवों के घर में हमेशा रहते थे, क्यों? क्योंकि वो उनकी हमेशा भक्ति करते रहते थे। तो इसलिए हम भी भगवान का इस तरह से अनंत गुणगान करते रहेंगे तो हमारे भी घर व द्वारका के राजा व वृंदावन के व्रजेश्वर जो हैं स्वयं श्री नंदनंदन आएंगे, और उनका मुख देखना ही इस आँखों का असली लक्ष्य है। ये आँखें हमें इसलिए मिली है भगवान के श्रीमुख को देखने के लिए। तो इसी तरह उनका गुणगान करते रहिए, अपने ज़िंदगी को शुद्ध बनाइए। हरे कृष्णा।